Good morning, friends. Welcome to www.tradingcap.in. आज 20th मार्च 2018 बुधवार 9:10 हो रहे हैं। आज बाजार का आखिरी दिन है इस हफ्ते का। तीन दिन का ही ये हफ्ता रहा है, क्योंकि कल और परसों छुट्टी है। कल महावीर जयंती है और परसों फ्राइडे गुड फ्राइडे है, और उसके बाद में वीकेंड है, तो बहुत ही लंबी छुट्टी है। तो आज एक्सपायरी का भी दिन है, तो देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। एक्सपायरी के दिन ज़्यादा वोलेटाइल मूव हो सकता है मार्केट में, तो एक्सपायरी के दिन और एक्सपायरी के दिन पहले हमें मार्केट में ट्रेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी वॉलेटाइल मूव होता है, वो काफ़ी उठा पटक होती है मार्केट में, तो इसके वजह से हमें प्रॉपर रैली नहीं मिल सकती ट्रेडिंग के लिए। तो आज एक्सपायरी का आखिरी दिन है, देखते हैं ग्लोबल मार्केट के हालात। जैसे कि आप देख रहे हैं डाउ नास्डैक लाल निशान में ट्रेड हुआ है कल और बंद भी हुआ है, क्योंकि अमेरिका और चाइना में ट्रेड वॉर शुरू हो गया है और वो थमने के लिए दोनों देशों में बातचीत भी शुरू हो गई है, लेकिन जब तक कोई ठोस फैसला निकल कर नहीं आता तब तक हमें कमजोरी और दबाव देखने को मिलेगा ग्लोबल मार्केट में। एशियाई मार्केट भी आज लाल निशान में ओपन हुए हैं। एसजीएक्स निफ्टी भी तकरीबन 35-40 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है, और ये यूरोपियन बाजार लेकिन फिर भी ये ग्रीन हरे निशान में ट्रेड कर रहा है, तो लगभग कमजोरी और थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है ग्लोबल मार्केट में। तो आज हमारे निफ्टी में इसका क्या असर होगा, तो आइए चलते हैं निफ्टी का चार्ट देखते हैं। इसके लिए निफ्टी का वीकली चार्ट है, जैसे कि हमने कहा था कि 50 ईएम है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना सकता है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर निफ्टी जो है वो 50 ईएम का सपोर्ट लेकर थोड़ा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक 9920 ये क्रूशियल लेवल है वीकली चार्ट में, फिलहाल यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। हालांकि ये रिकवरी फेज है, हम जब तक 20 EMA के ऊपर नहीं जाता इंडेक्स, जब तक 20 EMA के ऊपर नहीं जाता तब तक हम इसे प्रॉपर अप ट्रेंड या बुलिश ट्रेंड नहीं कह सकते। अभी फिलहाल निफ्टी रिकवरी फेज में है, ये वीकली चार्ट हमें इसको कैसे बता रहा है। तो आइए डेली चार्ट में देखते हैं। डेली चार्ट में जैसे कि हमने इससे पहले भी देखा था, निफ्टी जो है 200 SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, और कल हमने देखा कि निफ्टी ने कुछ ज़्यादा कोशिश की कि 200 SMA के ऊपर क्लोज हो जाए, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं रहा और तकरीबन 200 SMA के आसपास ही क्लोज हुआ। तो 200 SMA का बहुत ही ज़बरदस्त रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और जैसे कि हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी है ऊपर की तरफ, ये ट्रेंड लाइन जो कि ड्रॉ करके रखी है उसको ब्रीच, उसको नॉर्थ की तरफ क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम एक अच्छी अप मूवमेंट देख सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पर एक ये जो अगर मैं यहाँ से ये लो पकड़ कर ये लो अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो हमें यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी फिलहाल इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो ऊपर की तरफ ये अपर बैंड है और नीचे की तरफ ये बॉटम का बैंड है। तो निफ्टी अगर यहाँ से ऊपर की तरफ भी जाता है तो इस ट्रेंड लाइन को पेनेट्रेट कर सकता है और फिर नीचे की तरफ आ सकता है और ये इस लाइन को पेनेट्रेट कर सकता है। तो निफ्टी फिलहाल इस चैनल के जोन में ट्रेड कर रहा है और 200 SMA का उसको स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये था डेली चार्ट का सिनेरियो। मैगडी और RSI, मैगडी फिलहाल अभी भी नेगेटिव में है और RSI जो है वो पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखा रहा है, लेकिन उसने हायर बॉटम्स नहीं बनाया, उसने लोअर बॉटम्स बनाया हुआ है।
तो सपोर्टिव इंडिकेटर्स भी अभी फिलहाल कंफ्यूज हैं, प्रॉपर सिग्नल नहीं दे रहे हैं। तो आज के इंट्राडे के लिए हमें क्या पोजीशन बनानी चाहिए, तो उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। कल जैसे कि हमने देखा ऊपर की तरफ 100 EMA का रेजिस्टेंस था और नीचे की तरफ 50 EMA का सपोर्ट था, तो निफ्टी 100 और 50 EMA के बीच में ट्रेड हुआ। जब जब ये इंडेक्स मूविंग एवरेजेस के बीच में ट्रेड करता है तभी काफ़ी कंफ्यूजन होता है, निफ्टी वॉलेटाइल होता है। इसके अंदर जब निफ्टी ट्रेंड करता है तभी ज़्यादा हमें ट्रेड करने का मौका नहीं मिलता और हमें वेट करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स ये मूविंग एवरेज के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। तो जब ये मूविंग एवरेजेस के बाहर निकलेगा तभी हमें एक अच्छा पोजीशन मिल सकता है। अभी आप देख रहे हैं कि RSI सपोर्टिव इंडिकेटर आर्ली चार्ट में RSI निगेटिव है और MACD ने अभी तक निगेटिव का सिग्नल नहीं दिया है, तो हालांकि यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज बन सकता है। निफ्टी अभी ओपन हो चुका है, लगभग 10,140 के आसपास ओपन हुआ है और हमें कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन आज एक्सपायरी का दिन है तो हमें ज़्यादा उठा पटक देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए फिलहाल हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए और हमें वेट करना चाहिए जब हमें एक प्रॉपर ट्रेंड या प्रॉपर एक सिग्नल मिले। ठीक है, तो आज के लिए कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है क्योंकि मूविंग एवरेजेस के बीच में इंडेक्स अभी फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो हैप्पी वीकेंड एंड हैप्पी ट्रेडिंग।